एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बैकग्राउंड से बहुत लोग जान चुके होंगे कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। और हम दिल्ली आ गए थे ट्यूसडे को ही, और आज है संडे और आज है फादर्स डे। तो हैप्पी संडे एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बड़ी अफसोस की बात है ना कि हम फादर्स डे नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही आए मेरे हस्बैंड को भेज दिया गया है कहीं बाहर, और मेरे फादर नहीं हैं, तो वो गए हैं अपना ड्यूटी का फर्ज निभाने और हमारे फादर हमें छोड़ के चले गए हैं हमेशा के लिए। तो मैं ना यूट्यूब पे अभी यूट्यूब चला रही थी, तो बहुत सारी वीडियो आ रही है फादर्स डे पे। मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे में इतना हिम्मत है नहीं। और फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ। मैं ना उनका वीडियो देखते देखते मुझे रोना आ गया। एक है ब्लॉगर रवीनास ब्लॉग करके है उनके चैनल का नाम, उनका मैंने वीडियो देखा तो मुझे रोना आ गया यार। और मेरे ना पापा की जहाँ बात आती है मैं वहां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए सॉरी अगर मैं इमोशनल हो जाऊं तो। और जितने भी मतलब कि फादर है सबको हैप्पी फादर्स डे। जितने लोगों की भी है वो ना बहुत खुशकिस्मत है बच्चे जिनके सर पर पिता का छाया है। आज भी मैं अगर देखती हूँ ना किसी के पापा को, तो मेरा मन ऐसा करता है कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने। बट जो होना था वो तो हो गया है। और मैंने मेरे में एक ये है ना कि मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती हूँ जल्दी, मैं अंदर अंदर ही रखी रहती हूँ और अंदर अंदर ही मैं घूटती रहती हूँ। मेरे में ये एक कमी बोल लीजिए या खूबी बोल लीजिए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने पापा के लिए दो चार लाइनें बोल देती हूँ। जहाँ होंगे मेरे पापा वहां से मुझे देख रहे होंगे। तो मेरे पापा तो नहीं है पर मेरे दो भाई हैं, मेरी मम्मी हैं, जो मुझे कोशिश करते हैं कि उनकी कमी ना महसूस हो। पर कोई कितना भी कर लेना कभी कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। तो मैं अपने पापा के लिए चार लाइनें, अपने पापा के लिए नहीं, सारे जो पिता है ना इस वर्ल्ड के सबके लिए चार लाइनें बोलना चाहती हूँ कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो प्रतिफल राग है, पिता है तो माँ का चूड़ी सिंदूर बिंदी है, और पिता है तो सारे सपने अपने हैं, पिता है तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं। पिता नहीं तो कुछ भी नहीं, पिता नहीं तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर एक पिता चला जाए ना तो कोई भी आपका साथ नहीं देता है उस टाइम पर, सब आपको छोड़ देते हैं। सॉरी मैंने बोला ना कि जहां मेरे पापा की बात आती है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सुबह से वीडियो भी नहीं बना रही थी। पर मैंने सोचा ना कि जो अंदर का जो होता है ना घुटने से अच्छा है कि मैं किसी के साथ फीलिंग शेयर कर दूं। मेरे हस्बैंड भी है नहीं घर पर, वरना मैं उनसे हर फीलिंग शेयर करके रो लेती हूँ और रोने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी और हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन सभी लोगों को। और आप लोग बहुत खुशकिस्मत है जिनके पापा हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।